पावरफुल सो वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज की जो हम रीडिंग देखने वाले हैं वो पिक अ डेक है। आप जो भी डेक चूज करेंगे इसमें से, हम सिर्फ आपके कार्ड उसी डेक से ही लेने वाले हैं आज, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए जो डेक से हमें रिसीव हो रहे हैं, और एंजल्स से भी हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके आज। तो एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, ये न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स भी इसमें आपकी रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय के लिए ही ये प्रिडिक्शन है। तो इसमें न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स भी रहने वाली हैं और काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे तीन डेक हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3, ठीक है। 1, 2, 3, जो आपको ज़्यादा ट्रैक करी है वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने इंट्यूशंस का यूज़ कीजिए, एक डेक चूज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी। तो फिर डेक 1 के साथ आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो डेक 1, जिन्होंने ये डेक 1 चूज किया है, तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ मेजर अरकाना के कार्ड आपके लिए लेने चाहती हूँ, जो हमें कुछ चीजें आपके लिए बताएगा जो इम्पोर्टेंट होगी। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए, समय का पहिया घूमता हुआ आप देख सकते हैं यहां पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक और कार्ड लेंगे हम, इसे हम यहां रख देते हैं। ये भी मेजर अरकाना ही हैं। मैजिशियन, तो ये जो दो कार्ड आपके लिए आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन, ठीक है। यहाँ पे वाओ, यहाँ पे नंबर 10 है जो कि 1 को ही शो करता है, एंड यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है। ये 1, 1, 11 की भी एनर्जी है, 10+1 भी करेंगे तो भी 11 की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है आपके लिए, बेहतरीन। 11 आप तो जानते ही हैं कितना पावरफुल स्पिरिचुअल नंबर है। दूसरा बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि यहाँ पे किसी का समय बदल रहा है, और किसी का समय जो बदल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही है, ठीक है। मैजिशियन जो खुद पे विश्वास रखता है, मैजिशियन जिसके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्स आपके पास आने वाले समय में अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, मतलब चीजें आपके फेवर में होंगी, बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। काफी चीजें आपके लिए ऑलरेडी जैसे ईश्वर करके रखेगा, चीजें कर देगा, ठीक है। ऐसा आप समझ लीजिए जैसे कि आपके लिए खुद ब खुद यहाँ पे एक पाथ बना देंगे, वो आपको बस चलना रहेगा। आप ये भी एक तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब पैर तो फिर भी आप ही को बढ़ाने ना आगे, तो यहाँ पे एक्शन भी आप ही को लेने हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रही है कि आप अपनी पावर के थ्रू, आप जो भी आपके अंदर ईश्वर ने गिफ्ट भेजा है, उस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए अपना समय आप खुद बदलने वाले हो। यहाँ कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, आपका हाथ, आपके हाथ में आपका समय है, आपके हाथ में आपकी पावर है, आप ही के हाथ में वो कैपेबिलिटीज है जो जिसकी मदद से आप अपना समय खुद ब खुद बदल सकते हो। आने वाले समय में वो समय का पहिया घूमता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा है, एंड इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में मुझे यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे आपके अंदर भी मुझे आप बदलाव दिख रहे हैं, और आने वाले समय में आपके लाइफ में भी कुछ बदलाव दिख रहे हैं। पहले आपके अंदर ही आएंगे जैसे आप अपने लाइफ में बदलाव ला पाएं, तो पहले बदलाव जो है वो आपके अंदर ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ऐसी चीजें हों आपके लाइफ में जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे, खुद ब खुद अंदर से आएगा आपको, मतलब कोई कहेगा नहीं, आप खुद बदलोगे। हो सकता है कि कोई कहे भी, कोई एडवाइस भी दे, बट जब तक अंदर से नहीं आता तब तक वो परमानेंट नहीं बदलती चीजें, वो टेम्परेरी ही बदलती हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई खुद को बदल रहा है,
और यहाँ पे डिवाइन का भी जैसे लग रहा है हाथ किसी के सर पे अब आ चुका है। डिवाइन अब ध्यान देने वाली है उन लोगों को, उनका ध्यान रखने वाली है। प्रोटेक्शन पूरी पूरी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स भी हैं आपके पास वॉन्ड्स भी है, आपके पास यहाँ पे कप्स भी है, आपके पास सोर्ड्स भी है, मतलब सारे एलिमेंट आपके पास हैं। और ये एलिमेंट आपके अंदर के एलिमेंट भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे फायर है, वाटर है, एयर है और अर्थ है, जो आपके अंदर ही हैं, जो चार ये एलिमेंट मेन। तो इससे आपको कहीं ना कहीं आप अपने ये वही पावर्स हैं, आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे, तो उसका इस्तेमाल करना है। वाटर का इस्तेमाल, अपने इमोशंस का इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल, अपने पैशन का इस्तेमाल, अर्थ का इस्तेमाल, लोगों से कैसे आपको डील करना है उस तरीके से कर सकते हैं, बातें किस तरीके से करनी है, एयर का इस्तेमाल। तो ये सारे पावर्स आपके पास ऑलरेडी ईश्वर ने दे रखे, बस उसका बेहतर तरीके से उपयोग आपको करना है आने वाले समय में ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। अब आपके लिए हम कार्ड्स देखते हैं इसमें से, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख दूँ एंड इनको यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपके मेन कार्ड है, ठीक है, मेजर अरकानास। बाकी हम यहाँ पे और कार्ड लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं खास। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, नाइस कार्ड। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करें, वो भी खुद के दम पर ही। मैजिशियन, यहाँ पे लक भी कुछ लोगों का काम कर सकता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप में से काफी लोग, चलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके, और बेहतर तरीके से आपकी एनर्जीज मुझे मिलेंगी, पता चलेंगी यहाँ पर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इमोशंस आर रनिंग हाई। सरेंडर टू द डिवाइन, नाइस कार्ड। देखिए, जैसे कि मैजिशियन की एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोग की देखी रही थी, तो हमने कहा कि ये सिर्फ आपको ही करना है, ये सिर्फ आपको ही करना है, ठीक है। बोला गया था ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको, आपने अपने लिए कोई कंफर्ट जोन बना के रखा है। हो सकता है अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में अभी आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला। आपसे कहा जा रहा है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी समय है और अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। अपने गोल के पास आके हो सकता है कोई यहाँ पे लापरवाही कर रहा है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि लापरवाही ना हो, ठीक है। उस गोल को आप अच्छे से अचीव कर लें। दूसरा, यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई होने वाले लोगों के। इमोशंस, हो सकता है आप में से काफी लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये आपके इमोशंस को भी हाई कहीं ना कहीं वो कर रहा है। यहाँ फायर का भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर फायर की वजह से भी आपके इमोशंस कहीं ना कहीं हाई हो रहे हैं। किसी चीज को करने का पैशन हो सकता है, किसी का लव में पैशन हो सकता है, जो कि इमोशंस जिसकी वजह से हाई हो रहे हैं आपके। और मून आपको पूरी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके इमोशंस को खेल रहा है उसके साथ। मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपने पॉजिटिव वाले इमोशंस को ही यहाँ पे में रहना चाहिए, मैं कहूँगी, या फिर उसी में ही वही चीज़ें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें। जैसे कि जो भी इमोशंस आपके अगर हाई हो रहे हैं, तो वही वाले इमोशंस आपके हाई हों। यहाँ पे ये मैसेज भी कुछ लोग के लिए मिल रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हो और आपके यहाँ पे हाथ में सिचुएशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो आप चुपचाप से उसको बस डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि जो होगा ईश्वर देख लेगा। अब मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, बाकी अपना ईश्वर देख ले। यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड आया है। वैसे अगर आप में देखा जाए, आप में जिस तरह के कार्ड आए हैं, चूंकि इसमें जोडियक साइन वाले भी कुछ कार्ड्स हैं, बट आप में एक भी नहीं आए हैं,
नॉर्थ नोड, गिबियस मून, सुपर मून, फुल मून। यहाँ पे फुल मून वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ कंप्लीट सा हो रहा है। न्यू वाली एनर्जी यहाँ पे कम है, यहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। इस वाले कार्ड में ज्यादा, इस वाले कार्ड की वजह से यहाँ बदलाव मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में आते हुए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो इमोशंस वो आपको हेल्प करने वाले आगे बढ़ने में। इमोशंस, आपके इमोशंस, चाहे वो लव में हो, काफी लोग का आने वाले समय में पार्टनर भी कोई मिल सकता है अगर नहीं है तो, और यहाँ पे अगर सेपरेशन में तो यूनियन भी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। किसी चीज को लेके बहुत पैशनेट हो सकते हैं, कोई काम को लेके आने वाले समय में आपके लिए किसी काम में बहुत अच्छा समय आने वाला है, कोई काम के लिए। अगर आप लोग का कोई एग्जाम में रिजल्ट आने वाला, उसके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब चक्र घूमेगा, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए समय आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है जो लोग बहुत डल एनर्जी में, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, देखिए आपके लिए इसमें से कुछ आपको नहीं निकलेगा, उस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, जब इंसान लेजी होता है, ईगो में होता है, डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो आपको उस एनर्जी से बाहर आने के लिए न जाने क्यों यहाँ पे कहा जाए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे ऐसे पाइल वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे इस पाइल में जो कि उनमें बहुत काबिलियत है, बट वो ना उस अपनी काबिलियत को कहीं ना कहीं ना समझ पा रहे हैं, या तो एनवायरमेंट की वजह से, आसपास ऐसे लोग हैं, कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा उनको आगे बढ़ने में। मतलब अगर वो कुछ अच्छा भी करने चाहते तो उनको उस चीज के लिए वो एप्रिशिएशन नहीं मिलती है यहाँ पर। बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, पास्ट में जो अच्छी चीजें की हैं उन्हें याद करिए, ये चीजें भी आप ही ने की थी, तो आप कर सकते हो, आगे बढ़िए और अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए और अपने गोल को यहाँ पे अचीव करने को कुछ लोगों से कहा जा रहा है। शायद कुछ लोगों ने या तो अधूरा छोड़ दिया है, ठीक है, या उनका ध्यान उस गोल से हट चुका है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो अपने गोल से, ठीक है। यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई ईश्वर चाह रहा है कि आपका जो अटेंशन है वो अपने आप अपने गोल की तरफ डालो, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है अपने गोल की तरफ से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी भी आती, जैसे कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, हो सकता है कोई बहुत कोशिश कर रहा है जो 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 उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने कई कोशिशें कर चुकी है और उसमें नाकामी आपको हाथ आ रही है, वो चीजें आप बदल नहीं पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बदल नहीं रही है, हर बार वही सिचुएशन, आपके लिए मैं यही कहूंगी कि इसमें तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन में, कुछ चीजें ईश्वर पे ही छोड़ देनी चाहिए तो अच्छी होती है, क्योंकि सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, एंजल कार्ड से भी आपके लिए कुछ मैसेज देखेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी मिल रही, कुछ लोग अपने गोल तक जब पहुंचने वाले होते ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस, किसी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है, प्रयत्न करते रहे जब तक वो काम हो ना जाए, ठीक है, पूरी कोशिश अपनी, पूरा जितनी भी पावर है पूरी उसमें लगा दे और उसको पूरा पूरा जब तक कंप्लीट ना कर ले तब तक छोड़े ना, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी आपके लिए मिल रही है। आपका समय बदल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मुझे सभी दिख रहा है कि आपके लिए कुछ डोर्स ओपन भी हो रहे हैं, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, और आपके लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, बहुत सारी, मैं ये कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज बोलूंगी मैं, आ रही है। और मैं पॉसिबिलिटीज भी बोला है तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है जो आपके लिए हो रही है, ठीक है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है उस पर, चूंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप काफी अपॉर्चुनिटीज इस वजह से भी छोड़ रहे हो अपने लाइफ में कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स कार्ड में से भी आपके लिए कुछ कार्ड। रिमेन पॉजिटिव, हो सकता है आप में से काफी लोग पॉजिटिव नहीं रहते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते हो, लेकिन यहाँ पे आपका समय इसलिए बदल रहा है। मैंने
मैं आपसे यही कहूंगी, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसे जो भी इमोशंस आपके हाई होंगे वो अच्छे वाले ही हों, बुरे वाले ना हों, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो लाइफ में भी सफरिंग है किसी के लाइफ में, और उसकी वजह से उनके लाइफ में नेगेटिव थॉट्स भी काफी बन रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, चीजें अच्छी ही होंगी, आगे चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। और जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट भी करते हो लाइफ में, ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है। ओके, तो यही कार्ड था जो गिर गया था। If you believe, तो अगर आप बिलीव करते हो तो ही कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोग को बिलीव करने को भी कहा जा रहा है। यहाँ मुझे मेन यहाँ रीजन यही दिख रहा है आपका कि आप में से काफी लोग ही अपना मोरल डाउन करके रखे हुए। मैंने कहा आप लोगों को, आप लोग अच्छी चीजें करते हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है, बट आपको उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इसी वजह से यहाँ पे डाउन है। आप बिलीव ही नहीं करते हो, आपको लगता आप ही को खुद पे विश्वास नहीं, जो कि लोग आपकी आपकी जो काबिलियत है उसको नहीं देख पा रहे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप भी अपनी काबिलियत को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो वो सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। और आपसे कहा भी जा रहा है लाइफ में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक और लास्ट कार्ड हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पर। यस, यहाँ पे आपके लिए एक यस का कार्ड आ रहा है, दूसरा, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। और मैं यही कहूंगी कि समय आपको बहुत अच्छा आने वाला होने वाला है। बस यहाँ पे बस मैं इतना कहूंगी, थोड़ा सा आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, खुद के लिए कुछ करना है और पॉजिटिव रहना है, लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है और बिलीव रखना है खुद पे। किसी को मानते हैं, किसी ईश्वर में बिलीव है आपका, किसी के लिए आप प्रे करते हो ना, कोई गॉड हो गए आपके जिनको आप मानते हो, तो जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, आपकी सहायता करते हैं जो बुरे समय में, उन पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है, बिलीव करो। और कुछ जो आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर लूंगा, वो काम इजी है, आसान है, हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें, डरना नहीं है किसी चीज से, कोई भी काम कर रहे हो, नया काम शुरू कर रहे हो, डरना नहीं है, करना है, बस करना है। और जो चीजें आपकी कठिनाइयां आ रही हैं, जो आपको सपोर्ट, जो चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उन पे डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। ऐसा करिए, ऐसे अप्रोच रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी को कर्म करने को कहा जा रहा है। सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, सब कुछ स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर वहां तक, एंड तक पहुंचते पहुंचते खो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में जोश रहता है, बट फिर वहां एंडिंग तक नहीं पहुंच पाते, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज कुछ लोगों के लिए मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम करो और जो भी इमोशंस आपके हो रहे हैं अप डाउन, वो खुशी के हों, मतलब अगर आंसू भी हैं तो खुशी के निकलने चाहिए, दुख के लिए नहीं। तो अभी आपसे कहा जा रहा है मेहनत कर लो, किसी से मेहनत करने को कहा जा रहा है, करने को, अपना हथियार उठाओ, कर्म करो, एक्शन लो। एक्शन को यहाँ एक्शन नहीं ले रहा है, एक्शन लो, खुद की लाइफ आपके हाथ में है, बदलो उसे, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और न्यू ईयर भी आ रहा है, एक नई शुरुआत करने का समय है, तो करिए, खुद को बदलिए। वैसे वो आप खुद बदलोगे, मेरे कहने से भी आप नहीं बदलने वाले, जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक आप नहीं बदलोगे। तो फिलहाल वो ईश्वर है, वो देख रहा है, वो कर देगा। बट यहाँ पे आपको कुछ चीजें तो करनी ही होगी, खुद पे बिलीव करना है और पॉजिटिव रहना है, ये आप कर सकते हो, मेरे कहने पे भी कर सकते हो, ये कोशिश करिए, करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल वन। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेक टू, जिन्होंने ये डेक टू चूज किया था, तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपके लिए इसमें से देखूंगी मेजर अरकाना से कुछ मैसेज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, ठीक है। ये कार्ड मैंने डेक वन में भी आया था,
बट मैं एक कॉल लूंगी इसमें से। चैरियट। बेहतर समय आ रहा है यहाँ पर। बहुत तेजी से आपकी जो गाड़ी है आगे बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से लोग सपोर्ट भी करेंगे आपको उसमें। अगेन यहाँ पे चैरियट का कार्ड से गिरा है, बट यहाँ दो कार्ड गिरे हैं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। तो दो बार चैरियट आ रहा है आपके लिए, यहां मैं रख देती हूँ फिलहाल ऐसे करके। बट सही है, आपका चैरियट आना ही था, इसलिए उस टाइम भी चैरियट आया इस टाइम। तो कहीं ना कहीं पाइल टू आपका मुझे ऐसा दिख रहा है, समय काफी अच्छा होने वाला है। यहाँ 7 नंबर है 10 नंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और भी कार्ड से देखेंगे आपके इस डेक से। बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, और कुछ लोग के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ईगो कम हो रही है कुछ लोगों की यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है, आने वाले समय में आपको कोई चीज रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से। जितने भी हर्डल्स अगर आपके लाइफ में अभी तक आ रहे थे, वो हर्डल्स मुझे यहाँ पे रुकावटें मुझे यहाँ पे हटते हुए नजर आ रही हैं आपके लिए। बहुत तेजी से आपकी गाड़ी जो है लाइफ की वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक चीज वो देखने वाली है कि ये दोनों ही कार्ड में एक वाइट एनर्जी है, एक ब्लैक एनर्जी है ना। आप देख सकते हैं वाइट घोड़ा ब्लैक घोड़ा, वाइट हॉर्स ब्लैक हॉर्स, है ना। और आप यहाँ भी देख रहे हैं इस लड़की के हाथ में यहाँ पे वाइट एनर्जी, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी, है ना, दोनों ही है। यहाँ मुझे ये जो वाइट एंड ब्लैक है, देखिए आपके बैलेंस करना तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय। बैलेंस करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वाली भी मुझे यहाँ पे कुछ ताकतें दिख रही हैं कि बैलेंस करते हुए यहाँ पे आपको लोगों का भी सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वो फेमिनाइन भी हो सकती हैं, वो मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कोई उनसे भी आपकी आपको हेल्प मिलते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको गाइडेंस भी मिलेगी आने वाले समय में, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके कुछ एडिक्शंस भी रह सकते हैं यहाँ पर। कोई भी चीज का एडिक्शन भी रह सकता है आपको यहाँ पर, मतलब एडिक्शन में कहूंगी यहाँ पे डेविल का साथ, आपको भी डेविल का साथ और एंजल का साथ, दोनों का साथ यहाँ मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। डेविल करेगा और एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दोनों की ही पावर एक साथ होते हुए मुझे यहाँ पे नजर नहीं क्यों दिख रही है। एक तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन की बात मैंने कर ही ली है, दूसरा मुझे लग रहा है कि दोनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और जब दोनों ही आपको आगे ही बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए काफी अच्छा है कि कोई रुकावटें, मैंने बोला ना, नहीं आएगी। तो ना ही डेविल ना ही एंजल आपकी लाइफ में कोई अभी रुकावटें आने वाले समय में लाएंगे। आपका समय अच्छा रहने वाला है। और कुछ कार्ड से देख लेते हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि अभी शायद अभी तक लाइफ में हो सकता है इस ईयर आपने कुछ चीजें देखी हो अपने लाइफ में। यहाँ पे आप क्लाउड से भी, यहाँ पे क्लाउड से दिख रहा है कि चीजों में क्लैरिटी भी आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। कुछ स्टार्स भी हैं यहाँ पे, मेरी नजर स्टार्स पे भी जा रही है यहाँ पर। आपके लिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नंबर 4 नंबर 6, अगेन यहाँ पे 10 का ऊर्जा है। यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छा हो। यहाँ पे 6 नंबर एंड 4 नंबर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हो सकता है आपके बर्थ डेट में भी हो आप में से कुछ लोगों के। यहाँ पे जैसे कि ARTO ये नंबर भी, ये अल्फाबेट्स भी ARTO। चलिए और देख लेते हैं।
यहाँ मुझे आपके लिए डायरेक्शन वाला ज्यादा दिख रहा है कि आपको डायरेक्शन आपको मिलते हुए दिख रहा है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना सही होगा, वो सब आपको दिखाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एंजल्स। पीस, यहाँ आपके लिए पीस आते हुए दिख रहे हैं। काफी मन शांत रहेगा। आई थिंक सब कुछ बैलेंस होते हुए मैंने पहले कहा था वो मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में बैलेंस, आपकी लाइफ भी और आपके अंदर भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। दोनों मिल के काम करेंगे, बाहर का काम भी और घर का काम भी आप सब मैनेज कर सकते हो ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में, और बेहतर तरीके से कर सकते हो। वो तो अभी भी आप कर रहे होगे लेकिन बेहतर तरीके से होगा चीजें। ओह माय गॉड, यहाँ अवेकनिंग वाला ना जाने क्यों मुझे दिख रही है यहाँ पे हायर पावर, पीस, हायर पावर। आपकी सोल का कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है आपसे होते हुए। और कार्ड ले लेते हैं। बिटवीन वर्ल्ड, टाइम टू गो, चॉप एंड वर्ड्स। ओके, आपके जो मैसेजेस हैं मुझे ये दिखा रहे हैं आप में से काफी लोग ट्रैवल कर सकते हो, जगह बदल सकती है आप लोगों की। दूसरा, आपका मन काफी शांत रहने वाला है। अगर आपको काफी एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह लेने की आदत है तो आपके मन में आने वाले समय में पीस रहने वाली है। यहाँ पे हायर पावर, काफी लोग की अपने सोल से कांटेक्ट हो रहा है, सोल की बातें आप सुनोगे, मतलब आप एक सही डिसीजन आने वाले समय में लेने वाले हो, वो भी अपने सोल की मदद से। यहाँ पे ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए मिल रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि जो आपका जो समय, यहाँ पे समय तो मैं कहूंगी, आपकी पूरी सिचुएशन यहाँ बदलते हुए मुझे दिख रही है। मतलब आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, हो सकता है कि आप अभी जिस दुनिया में रह रहे हो, मतलब मैं ये कहूंगी कि अभी आप जो कर रहे हो लाइफ में उससे कुछ अलग भी आप करने वाले हो अपने आने वाले समय में। मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो अभी तक आपने नहीं की है लाइफ में, और मैं ये कहूंगी कि आपके लिए सब नया ही होगा वहां पर। और दूसरा मैं कहूंगी कि वो किसी की परिस्थितियां बदल रही है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरा, टाइम टू गो, अगर आप किसी सिचुएशन में हो, ये सिचुएशन मुझे वैसी सिचुएशन दिख रही है जैसे कोई भी सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आपके लिए बहुत डार्कनेस हो, निगेटिविटी हो, या फिर ऐसी जिस जहाँ पे आपको दर्द मिल रहा हो, ठीक है, लोग आपकी सुनते ना हो, आपको अपना डिसीजन नहीं लेने मिल रहा, अपने आप खुद को नहीं चुन पा रहे हो, लोगों को चुनना पड़ रहा है आपको, मतलब खुद को प्रायोरिटी पे ना रख के लोगों को प्रायोरिटी पे रखना पड़ रहा है आपको, तो ये इन सब सिचुएशन से अब आप ऐसा लग रहा है बाहर निकलने वाले हो, खुद को चुनने वाले हो यहाँ से बाहर निकल के। और यहाँ पे खुद को चुनने वाला, यहाँ पे देखिए खुद को, यहाँ पे क्राउन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्राउन किस तरीके से है, ये खुद को चुनने वाली एनर्जी है। काफी लोग यहाँ साफ सफाई करते हुए भी दिख रहे हैं, मन में जितनी भी निगेटिविटी है, किसी को लेके कैसी भी बातें हैं वो सब साफ कर देने वाला, किसी से कोई मतलब बैर नहीं रखना, किसी के लिए कुछ अपने अंदर घृणा नहीं रखनी, सबसे प्यार और कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने लिए करना है चीजें, सिर्फ निगेटिविटी तो एकदम दूर दूर तक मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। ये वाली स्टेट में आप आने वाले हो, पीस वाले स्टेट में आप आने वाले हो, और जब आप इस स्टेट में आते हो तभी आप अपने हायर पावर से भी मिल पाते हो। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की लाइफ में वैसे ही बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग बहुत बिजी होने वाले हैं अपने लाइफ में, खुद को प्रायोरिटी देने वाले हैं, खुद का ध्यान रखने वाले हैं, सिर्फ आपके आसपास आपकी जिंदगी घूमने वाली है, बहुत बिजी भी रहने वाले, काम करेंगे, किसी और के लिए टाइम ही नहीं है, किसी और के बारे में क्या ही सोचना, क्या ही बात करना, समय ही नहीं है इन सब चीजों का। मन अपना शांत रहता है, अपने काम से काम लेना, एक अच्छे डिसीजन लेना लाइफ में, और बुरी चीजों से जितना दूर रहना, ये मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आप जैसे बुराइयां वगैरह करने में नहीं अपना समय वेस्ट करेंगे। आपको पता है कि आपका समय बहुत कीमती है और आपको अपना समय कहाँ लगाना है और किस जगह लगाना है समय, और आप क्या कर सकते हो और बेहतर उस समय, ठीक है, ये चीजें भी मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ एंजल्स के मैसेज भी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। Improving health,
वाओ, जैसे कि यहाँ पे आप पीस भी देख सकते हो, जब आप शांत रहोगे तभी तो आपके हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो अच्छा सोचना और शांत रहना, मन निगेटिविटी जैसी आपके माइंड से गई, आपके बॉडी से गई, ठीक है, तो वैसे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में और जानकारी लेना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है किसी चीज के बारे में आप यहाँ नहीं जानते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे दो वर्ल्ड हैं, तो आप अभी कोई और भी चीजें हैं आपके लाइफ में जिनको अभी आप नहीं जानते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रही है गेट मोर इन्फॉर्मेशन या हायर पावर वाली बात भी है कि अभी आप किस चीज के बारे में अभी बहुत चीजें नहीं जानते हो, और ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन या आपके अंदर से भी आ सकती है यहाँ पर, जो आपकी सोल आपको चीजें बताएंगी। ये भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। दूसरा, आपने हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपने मन में निगेटिविटी रखी हो, लेकिन आप उनकी साइड भी नहीं जानते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे क्लाउड्स की बात यहाँ पे की थी कि क्लाउड्स है और क्लैरिटी मिलती हुई लोगों को दिख रही है, आने वाले समय में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी नहीं पता है, आपके सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में वो सारी चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, एक और कर लेंगे। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है रुकिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। जिस तरह भी आप जा रहे हो, आगे बढ़ना है आपको, रुकना नहीं है यहाँ पर कहीं भी। क्योंकि आपसे कहा जा रहा रुकना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ते रहना है ऐसे ही जैसे आप जा रहे हो। क्योंकि जैसे आप रुके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बहुत बिजी रहने वाला आने वाले समय में, तो जैसे ही आप रुके तो वो निगेटिविटी, वो निगेटिव थॉट्स अपना घर बनाना शुरू कर देंगे आपके दिमाग में। तो रुकना नहीं है, काम करते रहना है। हो सकता है आप में से काफी लोग के लिए मैसेज है लाइफ में, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप, रुकिए मत। ठीक है, आप लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैसेज मिल रहा है कि रुकने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है कि रुकना नहीं है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। हो सकता है, और यहाँ पे जैसे डोंट स्टॉप एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी आया है, आपसे कहा जा रहा है यहीं मत रुको, यहीं पे अपना आप जज मत करो, और कुछ भी आगे जानो उससे रिलेटेड। ये भी आपके लिए एक्सप्लोर करने को, चीजों आपको सीखने को कहा जा रहा है। रुकना नहीं है, और भी चीजें जानिए, समझिए, एक्सप्लोर कीजिए। ये भी मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये था पाइल टू, डेक टू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो डेक थ्री, जिन्होंने डेक थ्री चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स। पहले हम आपके मेजर अरकानास देखेंगे कि वो आपके लिए क्या बताते हैं खास। द वर्ल्ड नंबर 21, ये भी मेजर अरकाना से, इसमें से भी हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए। द एम्प्रेस, तो ये जो दो कार्ड आए हैं आपके लिए, द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस, ये नंबर थ्री है। यहाँ भी टू और वन है, 21 है, 21 प्लस करेंगे 3 बनेगा। यहाँ पे आप लोग के लिए नंबर 3 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, आपका डेक भी 3 ही है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरे यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नॉर्मल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है नॉर्मल कि कुछ तो उनमें बहुत ही खास है, बहुत खास, मतलब कुछ आम काम के लिए नहीं बने हैं वो, बहुत सिंपल काम करने के लिए नहीं बने, कुछ ऐसे काम करने के लिए बने हैं जो कि इस वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इस वर्ल्ड में हो सकता है इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो अपनी दिल की सुनते हैं, जो लोगों के दिल पे राज करते हैं, उन्हें लोगों का दिल जीतना आता है, इनका दिल बहुत बड़ा होता है। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप में बहुत मदरी एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है। सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये वाली मुझे एनर्जी आपके लिए मिल रही है। और वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचे।
आप माफ भी बहुत जल्दी कर देते हो लोगों को, दिल बड़ा है आपका, पर मुझे दिख रहा है कि आप अकेले ही हो। मतलब आप जैसे आप इन्हें देख सकते हो, इनकी ड्रेस में भी रेनबो कलर्स हैं, मतलब आप अकेले ही हो। ये मैसेज मुझे न जाने क्यों मिल रहा है कि आप अकेले ही हो। शायद आप में से काफी लोग में अकेले इसलिए भी हो कि आपको उस तरीके, मैं वो बात नहीं कहूंगी, हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सारे आप एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है घुलना मिलना, लोगों से बातें करना आपको बहुत पसंद हो, लेकिन अभी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले ही हो, आप ऐसे ही वन एंड ओनली आप हो। मतलब इस तरह की एनर्जी आपको कहीं दूसरों में नहीं मिली होगी, मतलब उस तरह के सपोर्टिव, उस तरह से लविंग वाली एनर्जी आपको किसी और से उस तरीके से नहीं मिल रही, ये आपके अंदर ही है। जितने अच्छे आप हो, मुझे नहीं लगता आपके आसपास उस तरीके की बहुत अच्छी एनर्जी है देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ भी मुझे आपके लिए यहाँ पे मैसेज दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आप आई हो बहुत अच्छे सारे काम करने, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। आपकी खुद की कोई उस तरह वाली जर्नी नहीं है, मतलब यहाँ पे लोगों का सपोर्ट बनते हुए आप मुझे दिख रहे हो। आपका ऊपर वाले से बहुत अच्छा कनेक्शन है, डायरेक्ट वाला कुछ कुछ तो बहुत ब्लेस्ड वाली मुझे एनर्जियां दिख रही है। आप लोग कुछ अपने लिए मांगते होगे ना, कभी कभी नहीं मिलता है, ये भी एनर्जी दिख रही है। बुरा भी लगता है, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ख्वाहिशें पूरे करने आए हो, उनकी मदद करने आए हो, उन्हें खुशी देने के लिए आए हो, ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। मैंने बोला अगर आपको कुछ, आपको कुछ नहीं भी चाहिए होगा तो भी ईश्वर आपको कुछ ना कुछ तो देंगे ही, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, आप ब्लेस्ड हो। आपको कोई कामनाएं अपने अंदर वैसे रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब आप कुछ भी नहीं मांगते कि मुझे ईश्वर कुछ नहीं चाहिए, तभी ईश्वर आप पे बरसात करते हैं चीजों की। जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना लाइफ से कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तब आपकी लाइफ में बदलाव अच्छे होंगे, कि बस आप कर रहे हो किसी के लिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर खुद देखते हैं सारी चीजें और आपको कुछ अच्छा देंगे। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स निकाल लूं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको। ओके, यहां भी दो कार्ड आ गए हैं तो हम इन्हें ले लेते हैं। चलिए इन्हें साइड कर देते हैं। तो लॉर्ड गणेश आए हैं पहले आपके लिए, तो आइए इन्हें ये मैसेज देख लेते हैं। इनफिनाइट अबंडेंस, देखिए ईश्वर भी उन्हें देते हैं जो लोगों को देते हैं ना, उनको हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, ठीक है, लोगों की मदद करना उनका काम होता है, लोगों को रास्ता दिखाना उनका काम होता है। तो जब ईश्वर कह देखते हैं ना कि ये इंसान इतना कर रहा है लोगों के लिए, तो इसके लिए भी कोई करने वाला होना चाहिए, इसे भी कुछ देना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको देते हैं। यहाँ पे इनफिनाइट अबंडेंस आपके लिए आ रही है। ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, आपके लाइफ से भी सारे ऑब्स्टिकल, जितनी भी कठिनाइयां हैं वो निकल जाएंगी, क्योंकि जब लोगों के लाइफ में आती हैं तो आप हेल्प करते हो, ठीक है, तो आपके लाइफ की भी कठिनाइयां वो खुद ब खुद ईश्वर आपके रास्ते से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट, मैंने कहा यहाँ पे डिवाइन का बहुत अच्छा कनेक्शन आपका आपका है उनके साथ, कुछ गहरा कनेक्शन है। यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट वही आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गॉड जिन्हें आप मानते हो, वो सब आपके साथ खड़े हैं और आपको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो हो रहा है वो शायद आपके लिए अच्छा ही है और वो होना जरूरी ही है, ठीक है। एंड उनके उनका कनेक्शन भी आगे जैसे जैसे आपकी आपका समय बढ़ता जाएगा और उनका कनेक्शन आपके साथ और गहरा होता चला जाएगा, ठीक है। अभी आप जैसे भी स्टेज पे हो, लेकिन आने वाले समय में उनका कनेक्शन आपसे और धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा यहाँ पर।
Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. आपसे कहा जा रहा है आप अपनी सच्ची वाली एनर्जी में रहो, जो झूठ बोलने की आपको किसी से जरूरत नहीं है, कुछ फेकनेस आपको अपने अंदर रखने के लिए जरूरत नहीं है कि लोगों को फेक दिखाना, लोगों से झूठ बोलना, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। आप में आपका ऑरा ऐसा है कि आप जैसे ही जाते हो तो वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। और पता है इस दुनिया में लोगों को सच्चे लोगों की बहुत जरूरत है, फेक तो सभी है यहाँ पर, सोशल मीडिया पे ही आप देख सकते हैं लोग अपनी जो जिंदगी दिखा रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं, वो खुद बनना चाहते हैं, वो इसलिए वो दिखाते हैं, वो उस तरह अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। वहां पर रियल में तो उनकी जिंदगी वैसी है नहीं, ठीक। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना ट्रू साइड जो है अपना वही आप दिखाओ, दूसरा वही आपको डार्कनेस से उठने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज है। और लाइट तो मैं कहूँगी कि आप में भी है, जिनसे आप कनेक्टेड हो उनमें भी है। दूसरा जो आप अपना ट्रू सेल्फ शो करते हो वही रियल लाइट है। अगर आप डार्कनेस से लाइट में जाना चाहते हो तो जो आप हो पहले खुद को एक्सेप्ट करो, ठीक है। यह क्लॉक ऑफ विजडम है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको जो ऑलरेडी पता है वही रियल सच है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कहा जा रहा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सोल को सब कुछ पता होता है जो आपके अंदर है। कभी कभी आपके सामने भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, घटनाएं होती हैं जिसमें आपको आपको लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, बट आप कभी कभी नहीं बोल पाते क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से, जो भी हो लोगों की वजह से, बट आपको पता है, आपका मन ऑब्जेक्शन करता है अंदर ही कहीं ना कहीं कि ये सही नहीं है या वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी चीजें, ठीक है। आपका मन बहुत अच्छे से जानता है। हो सकता है आप में से काफी लोग के मन में क्वेश्चन उठते हो, ये हो रहा है क्यों हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस दुनिया को जानने की इच्छा भी है, और काफी आंसर हद तक मैं देखूं तो आंसर आपके अंदर ही है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता है ऑलरेडी सही नहीं है, आपको वाइब्रेशंस मिल जाती है, आपके अंदर से रहता है कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं गलत है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी मुझे आपके में दिख रहा है। प्रेयर एंड कंटेम्प्लेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड शैल यू रिसीव। तो आपसे कहा जा रहा है अपने ईश्वर से, यहाँ पे वही कनेक्ट विद हेवन, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कोई भी बात हो आप उनसे शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो, उनको थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ चाहिए तो आप उनसे मांग भी सकते हो, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट की बात मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट की बात हुई भी थी, सपोर्ट एंड कनेक्शंस वगैरह। दूसरा यहाँ पे मैं कहूंगी कि क्वेन जिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्वड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। जो कि देखिए यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि जितना आप, सबसे पहले तो प्यार को चूज करें, चाहे जो हो जाए प्यार को चूज करें, काइंडनेस को चूज करें। कहा आपने एक रील देखी होगी, एक वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छी थी, एक बच्ची की थी जिसमें वो कहती है अगर आपको राइट और काइंडनेस में से चूज करना हो तो काइंडनेस चूज करनी चाहिए, है ना। तो वो काइंडनेस भी आपका दिल है, ठीक है, आपका दिल, अब वो जो कि कभी गलत नहीं होता, कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी सुना करें। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, तो जब आप अपने दिल की सुनेंगे ना तो वो सबके लिए ही अच्छा होगा कहीं ना कहीं आगे जाके। चाहे अभी अगर आपको उसका वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि न जाने मेरा ये डिसीजन सही होगा कि नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ, पता नहीं लोग उसका वो कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, बट वो आगे जाके ही बेनिफिट देगा सबको, ठीक है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आप दूसरों की मदद करिए, अपने दिल से लोगों की मदद करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए सबके लिए ही है ये, चाहे ये मैसेज आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका काम मुझे यहाँ पे काफी लोगों का यही दिख रहा है, लोगों की मदद करना, लोगों को गाइड करना। कुछ एंजल्स मैसेज भी देखेंगे आपके लिए क्या है। टेक एक्शन, अब इससे काफी लोग को एक्शन लेने को कहा जा रहा है, शायद अभी तक आपने लोगों की मदद करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ,
लुक फॉर अ साइन। देखिए मैंने आप कहा कि आपको डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको साइन वगैरह भी मिलता है, एंजल्स नंबर, फेदर्स वगैरह, और भी जैसे किसी का नाम दिखना, भगवान की फोटो दिखना बार बार, वही जिन्हें जिनको आप पूछते हो उनका नाम दिखना, कोट्स दिखना, कुछ कोट्स में भी आपको दिख सकता है, किसी सॉन्ग में भी वो वर्ड्स आपको सुनाई दे सकते हैं, किसी मूवी में वो कुछ लाइंस आपको दिख सकती हैं, ठीक है, जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो आपको कुछ कहीं ना कहीं से वो आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, पास को थोड़ा और तर कर देना। एक और कार्ड आपके लिए लूंगी मैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज, वाह ये कार्ड देखिए आप, ये वही इनफिनाइट अबंडेंस वाला नहीं आपको लग रहा है यहाँ पर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसा लग रहा है खुद ही बारिश हो रही। हाँ कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे, टेक एक्शन का है था, सॉरी सॉरी मैं इन्हीं को ही कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस क्या करना है कि जो अपने दिल की सुननी है, ठीक है, क्योंकि आपका दिल कहेगा लोगों की मदद करने के लिए, वो आप खुद ही कर लोगे, बट ये है कि अगर डिसीजन भी लेना है तो दिल की सुने, ठीक है। और आप में से काफी लोग शायद अभी खोए खोए से लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे एक्शन देखो कहा जा रहा है आपसे कि एक्शन लो लाइफ में, एक्शन लो, जिस काम के लिए बनाया है, जिस पर्पस के लिए आए हो वो काम करो, ठीक है, यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।